अरे बदतमीजी कहाँ है मैडम जी, हम तो नाच रहे हैं। और आंखें तो दो दो दिया भगवान ने, थोड़ा इधर थोड़ा उधर भी देख लिया करो। वैसे थोड़ा हमारे साथ भी नाच लो, हमारे शरीर में कौन से कांटे लगे हैं। भगवान संभाल के बात करो, लड़कियों से बात करने की तमीज नहीं है। है? तू सिखाएगी मुझे तमीज? चल जा, पहले खुद तमीज सीख के आ। अरे ये आजकल की लड़कियां दादा ही आसमान पर चढ़ने लगी है। अरे जरा सी पढ़ाई लिखाई के लिए, इनको कमाई के लिए आजादी क्या मिल गई? बहुत फायदा उठाती हैं ये आजकल की लड़कियां। मुझे सी लड़कियां? क्या मतलब है तुम्हारा? जो मैं कह रहा हूँ ना वो यहाँ हर कोई समझ रहा है। कुछ जैसी लड़की मतलब जिनके घर वाले उन्हें आजादी दे देते हैं, और तुम जैसी लड़कियां उस आजादी का नाजायज फायदा उठाती है, अपने ही घर वालों का सर शर्म से झुका देती हो। अरे ड्रेसिंग सेंस देखिए अपनी, छोटे छोटे कपड़े पहन के आधी रात को चार लड़कों के साथ, तो गलत तो होना ही है। अरे वही वक्त सही था साला, शाम को 6 बजते ही लड़की घर के अंदर, बाहर नहीं निकलेगी। सारा का सारा समाज गंदा करके रखा हुआ है। बकवास बंद करो वरना रोवा। संध्या एक मिनट राहुल, दूसरों पर कीचड़ उछालने से पहले अपनी खुद की भाषा और खुद के बोलने के तरीके पर ध्यान दो। तो आप जैसे घटिया सोच वाले लोगों की वजह से लड़कियों को 4 दीवारी के अंदर बंद करके रखा जाता है। समाज में गंदगी हम लड़कियों के 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की वजह से नहीं है, ना कि हमारे कपड़े पहनने की वजह से। समाज में गंदगी तो आप जैसे बदतमीज लोगों की वजह से हो रही है। अगर लड़कियों का 6 बजे के बाद घर से बाहर निकलना इतना ही तकलीफ देता है तो ये आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, आपकी खुद की तकलीफ है। तुम्हें तो ये चाहिए कि 6 बजे के बाद तुम जैसे लोगों को घर में बंद कर देना चाहिए, समाज अपने आप साफ सुथरा हो जाएगा। पढ़े आए लड़कियों को गलत कहने वाले, चलो रोमा। लो जी लो, ये है आजकल की मॉडर्न लड़कियां। ढंग से खड़ा हुआ नहीं जा रहा इनसे। अरे मैंने कहा आपकी हालत सही नहीं है, घर चले जाइए, आराम कर लीजिए। तो ये मैम का मुझ पर ही बरस पड़ी, लाइक का तो जमाना ही नहीं रहा। लो जी मैं ही माफी मांग लेता हूं। भाई माफी तो मैं मांग के रहूंगा। माफी मांगेगा? तू माफी मांगेगा? अरे तेरे जैसे बहुत चीजें की है मैंने। कॉलर छोड़ो, हाथ से नहीं मुंह से बात करो। राहुल छोड़ो इसे, हाथ से नहीं मुंह से बात करो, छोड़ दो इसे। अरे कोई हाथ नहीं उठाएगा, मुंह से बात होगी। ये मॉडर्न मेम साहब कह रही है कि मुंह से बात होगी। अरे नशा तुम करो, लड़ाई तुम करो, रोमांस तुम करो, साला माफी भी मैं मांग रहा हूँ, माफी भी नहीं दे रहे। झूठ बोल रहा है तू। हम लोग यहाँ शराफत से डांस कर रहे थे और तुम पे पहले इनसे छेड़छाड़ की। हम कोई क्लब में पी के झगड़ा करने वाले लोगों में से नहीं है, हम IPS ऑफिसर्स हैं। IPS तू अगर IPS है ना मुन्ना, तो मैं इस देश का प्रधानमंत्री। तू जरा अपना क्या कहते हैं उसे, आइडेंटिटी कार्ड वो दिखा। अरे दिखाना, चल अब दिखाना, अगर है तू IPS तो। देखा ना तुमने, अब मैं बताता हूं कि एक लड़की से छेड़छाड़ करने का क्या नतीजा होता है। छोड़। लो जी ये हैं हमारे पुलिस वाले IPS ऑफिसर, शक्ल से तो गुंडे लगते हो गुंडे। अरे खुद तो नशे में धुत रहते हो, खुद को संभाल नहीं सकते, हमें क्या सुरक्षा दोगे? क्लबों में घूमते हो, रोमांस करते हो,
पार्टी करते हो, नशा करते हो और हमारे से और हमारे से माफी मंगवाते हो। पब्लिक से बात करने की तमीज तो है नहीं तुम्हें। बदतमीजी हम नहीं तुम लोग कर रहे हो। हम कब तक तमीज से पेश आ रहे थे? बदतमीजी कर रहा था तो माफी भी तो मांग रहा था ना मैं। रोमा, ऐसे लोगों के मुंह लगने का कोई फायदा नहीं। मैं अकेडमी में टाइम पर पहुंचना है, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। हाँ संध्या ठीक कह रही है, 15 मिनट बचे, हमें अकेडमी बंद होने से पहले पहले पहुंचना है। आ भाई जाइए जाइए, मुझे माफ करिए। चलो राहुल फास्ट चलाओ ना, सिर्फ 5 मिनट बचे हैं। अगर हम अकेडमी तक नहीं पहुंचे तो ऑफिसर सिंह हमें नहीं छोड़ेगी। रिलैक्स रोमा, चला तो रहा हूँ, इतने भी तेज करूंगा तो उड़ जाएगी गाड़ी। बस पहुंच ही गए गेट पे। बच गए। बाबा साहब मारे को धारावाहिक देखना है तो जरा। अरे ला रिमोट देखो ना, अठे मोहित का चैनल चलेगा ना विक्रम का चैनल चलेगा, अठे तो बस एक ही चैनल चलेगा, बाबा जी का सत्संग। अरे जे सत्संग में अच्छे अच्छे आयुर्वेदिक नुस्खे बतावे हैं, तुम सब क्यों काम आएंगे, तुम भी देखो। के नंबर है मोहित? पता नहीं पापा साहब। के 27। मैच आता है बाबा साहब, उसमें मैच। क्यों बावड़े, अपने बाप से मजाक करता है कि? मैं खुद ही ढूंढ लेता हूं, एक ना एक तो लगी जाएगा। आप देखो, देखिए कैसे रक्षक बने भक्षक। हैदराबाद के आईपीएस पुलिस एकेडमी के कुछ ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसरों ने की आम आदमी के साथ एक क्लब में सरेआम गुंडागर्दी। बट ये तो संध्या बिंद्री पड़े। संतोष आईपीएस ऑफिसर, जिनके हाथ में पूरे देश की कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी होती है। संतोष, सूरज बेटा, अरे इधर आ जाओ जल्दी, संध्या बिंद्री के एकेडमी की समाचार आ रहा है। रे के हुआ? देख तो संतोष, देख बेटा। आज दुर्भाग्य की बात है कि आज वो खुद एक क्लब में कानून की धज्जियां उड़ाते हुए देखे गए। शराब के नशे में धुत आईपीएस ऑफिसर्स का ऐसा बर्ताव बहुत ही शर्मनाक बात है। क्या बोल रहे हैं लोग? हैदराबाद के कुछ ट्रेनिंग पुलिस ऑफिसर्स क्लब में पार्टी करने गए थे, वहाँ शराब के नशे में धुत होकर उन्होंने वहाँ मौजूद लोगों पर रौब झाड़ना शुरू कर दिया और बात बढ़ते बढ़ते हाथापाई तक पहुँच गई। वहाँ मौजूद हमारे संवाददाता ने मौके पर खींची कुछ तस्वीरों को हमारे पास भेजा है। अब हम देश के कानून के रखवालों का असली चेहरा एक एक करके दिखाते हैं। ये देखिए पहली तस्वीर। ये तो रोमा जी है, संध्या जी की दोस्त। ये तो वही लड़की है संतोष। ये दूसरी तस्वीर। ये है तीसरी तस्वीर। राम, जिठानी जी। ये देखिए वीडियो जो हमारे सिटीजन रिपोर्टर ने मौका वारदात पर रिकॉर्ड किया है। Thank you.
कानून के रखवालों का असली चेहरा। ये सब कब 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 हुआ ये? सूरज बेटा, अभी संध्या बिंद्रे ने फोन कर। अरे बता तो कर वो ठीक है कि नहीं। हाँ भैया, फोन लगाओ संध्या भाभी को। क्या हुआ बेटा? घटती जा रही है, उल्लू उठा रही संध्या जी। पता नहीं हमें ये हंटर वाली ने इतनी रात को क्यों बुलाया। रात को देर से पहुंचने की पनिशमेंट देने के लिए तो नहीं बुलाया, पर हम तो गेट बंद होने से पहले पहुंच गए थे ना। अरे ऐसा तो नहीं कि हम लोगों की पार्टी की वजह से सिंह सर को कोई एतराज हो। तो क्या अब हम पार्टी भी नहीं कर सकते, अपनी लाइफ के स्पेशल मोमेंट्स को सेलिब्रेट भी नहीं कर सकते? ठीक है, हम IPS हैं, तो क्या हमारी कोई पर्सनल लाइफ नहीं है? हमारे कोई इमोशंस नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऑफिसर, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप ऑफिसर। सर, एक IPS ऑफिसर की कोई पर्सनल लाइफ नहीं होती, और पब्लिक में अपने इमोशंस दिखाने की छूट तो उन्हें कतई नहीं दी जाती। पुलिस की नौकरी कोई 9 से 5 की नौकरी नहीं होती है। एक पुलिस अफसर 24 घंटे 7 दिन सोता नहीं है, क्योंकि उसे रक्षा करनी होती है लॉ एंड ऑर्डर की, ताकि आम आदमी चैन की नींद सो सके। समझे आप? इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर वर्दी में हो या ना हो, ड्यूटी पर हो या ना हो, वो फिर भी एक पुलिस ऑफिसर होता है, ऑन ड्यूटी। एक IPS ऑफिसर होने के बावजूद आप लोगों ने एक क्लब में जो तमाशा किया, पब्लिक के साथ जो हाथापाई की है, सचमुच बहुत शर्मनाक है। इन्हें पता कैसे चला? सिर्फ मुझे नहीं ऑफिसर राहुल, इस देश के बच्चे बच्चे को पता है कि आपने उस क्लब में क्या किया। आम नागरिकों के साथ आपने हाथापाई की, नशे में चूर। और आपको पता है, उस क्लब में एक व्यक्ति ने आप सबकी एक वीडियो क्लिप बनाकर न्यूज चैनल्स में रिलीज कर दी। उस क्लिप को फ्लैश कर रहा है। आपको पता है ना कि मीडिया में एक चिंगारी भी अगर दी जाए तो वो आग बन जाती है, और वही आग आज हर न्यूज चैनल में फैली हुई है। इस आग में सिर्फ आप नहीं, बल्कि इस एकेडमी की आन बान शान प्रेस्टीज सब जल रही है। अब जानते हैं क्या कहा जा रहा है इस रिपोर्ट में? कहा जा रहा है कि शराब के नशे में धुत IPS ट्रेनी ऑफिसर्स ने सिविलियंस के साथ हाथापाई, उन्हें मारा। हम जानते हैं कि आपके ऊपर मैन हैंडलिंग के चार्जेस लगाए जा रहे हैं। क्या आपको इस बात का अंदाजा है कि मुझे अपने सीनियर्स को एक्सप्लेनेशन देनी होगी इस बात की? नहीं सर, ये सब झूठ है,
हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हमने ड्रिंक भी नहीं की थी। आप चाहें तो हमारा ब्लड टेस्ट करवा लीजिए। ऑफिसर राहुल, मुझे इसकी जरूरत महसूस नहीं हो रही क्योंकि मैं खुद अपनी आंखों से सब कुछ देख सकती हूँ। सर, सच्चाई ये है कि हम वहाँ रोमा की बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे और एक आदमी ने आके पहले रोमा से बदतमीजी की। रोमा ने उसे रेजिस्ट किया, उसे वार्न किया कि ऐसा मत करो। लेकिन फिर भी एक आईपीएस ऑफिसर होने के नाते आप सबको समझना चाहिए था कि इस सिचुएशन को कैसे संभाला जाए। लेकिन दुख इस बात का है कि आप सबने आम जनता की तरह बिहेव किया, मारपीट की। अगर कोई और होता तो ये वीडियो क्लिप कभी नहीं बनती। आपको अंदाजा है कि एक आईपीएस ऑफिसर होने का मतलब क्या है, कितनी जिम्मेदारियां जुड़ी हुई हैं इसके साथ, बंधन है। अगर आपको पावर दी गई है तो उस पावर को किस तरह से इस्तेमाल करना है वो आपको समझना चाहिए। आप लोग तो सिविलियंस की तरह बाहर पार्टी करने गए थे ना, तो फिर उन लोगों को कैसे पता चला, कैसे पता चला कि आप सब इस एकेडमी के ट्रेनी ऑफिसर्स हैं? एकेडमी के नाम पर आपने जो कलंक लगाया है शायद आपको उस बात का अंदाजा नहीं है। आज सह्याद्री स्कोर की वजह से मेरा सर शन से झुका जा रहा है। सर, मैं अपने स्क्वाड मेंबर्स की इस शर्मनाक हरकत के लिए माफी मांगता हूं। सर, हमने कोई शर्मनाक हरकत नहीं की। शट अप। स्क्वाड कैप्टन जाकिर, आपके होते हुए ये सब कुछ कैसे हो गया? एटलीस्ट मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। सर, मैं वहां मौजूद नहीं था। मेरे स्क्वाड मेंबर्स ने मुझसे पूछा था कि क्या मैं इस पार्टी में शामिल होना चाहता हूं। मैंने वहां जाना जरूरी नहीं समझा। सर, मैं बस इतना कह सकता हूं कि अगर मैं वहां होता तो शायद ये सब नहीं होता। सर, हम सबको माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। ऑफिसर संध्या, सॉरी बोल देने से गलती कम नहीं हो जाती। आप सबको शायद अंदाजा नहीं है कि आप सबकी इस हरकत की वजह से इस एकेडमी का कितना नाम खराब हुआ है, और इसलिए मुझे आप सबके अगेंस्ट कड़ा एक्शन लेना होगा। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।